दोस्तों स्वागत है आप सबका फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों आज के वीडियो में हम आपको छोटी साइज का पेंट कटिंग करना सिखाएंगे। दोस्तों हमने पेंट को डबल फोल्ड करके बिछा लिया है, कुछ इस तरह से बिछाया है और इस तरफ से हमें सीधी लाइन खींच लेनी है ताकि हमारी ड्राइंग सीधी हो। ये हमारे पेंट का नाप है दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ से हम इसकी लंबाई का मार्क लगाएंगे, बिल्कुल इस तरह से हमें इसको, यहाँ से हमारी 27 इंच लंबाई है। नीचे की किनार को हमें मोहरी में रखना है क्योंकि एक पेंट में हमें दो पेंट बनाना है, इसलिए यहाँ से भी हम 27 इंच पे मार्क लगा देंगे। दोस्तों वीडियो को पूरा देखना अगर सीखना है तो। अब दोस्तों इस वाले मार्क को हम सीधा कर लेंगे, ये हमारा ऊपर का मार्क है दोस्तों। अब यहाँ से हमें हिप का चौथा भाग निकाल के उसमें 1 इंच एड कर लेना है जो कि हमारा लटक का मार्क होगा। यहाँ से हमें हिप का चौथा भाग प्लस 1 इंच एड कर लेना है और इस तरह से हम मार्क लगा देंगे। ये दोस्तों हमारी लटक का मार्क लग चुका है, इसको भी हम सीधा कर लेंगे। अब दोस्तों हम घुटने का मार्क लगाएंगे। यहाँ से दोस्तों हमें लटक से लंबाई तक का सेंटर निकाल लेना है जो कि हमारे घुटने का मार्क होगा, इसको भी हम सीधा कर लेंगे। अब यहाँ से हमें फ्लाई के लिए करीब 1.25 इंच और 1 सूत पे हम मार्क लगा देंगे क्योंकि छोटी साइज का, इसलिए। और यहाँ से हमें जांघ का हाफ कर लेना है इस तरह से 8.5 पे। हमारी जांघ है 17 इंच तो हमने 8.5 इंच पे मार्क लगाया है और इसका सेंटर हमें यहाँ से निकाल लेना है। यहाँ से दोस्तों हमारा करीब 6.25 इंच सेंटर निकलेगा 8.5 का, तो सभी जगह हम इसको सेंटर वाले मार्क को कॉपी कर लेंगे। यहाँ पर भी हम और यहाँ पर भी लगा देंगे। अब दोस्तों यहाँ से हमें मोहरी का चौथा भाग निकाल के आधा आधा दोनों तरफ लगा देना है इस तरह से। यहाँ पर भी हमें घुटने का चौथा भाग निकाल के दोनों तरफ निकाल लेना है आधा आधा। अब दोस्तों इसको हम स्केल की मदद से सीधा कर लेंगे, इस तरह से हमें शेप देना है। यहाँ से दोस्तों हमारा राउंड वाला शेप आएगा ऊपर जांघ की तरफ, इस तरह से हम शेप देंगे। अब दोस्तों यहाँ से भी हमें फलाई का मार्क लगा लेना है और यहाँ पर सेंटर वाले मार्क को कॉपी कर लेना है। अब इसको हम सीधा कर लेंगे सेंटर वाले मार्क को इस तरह से। अब दोस्तों यहाँ से हमें कमर का चौथा भाग निकाल के 1 इंच एड कर लेना है और मार्क लगा देना है इस तरह से। अब इसको भी हम सीधा कर लेंगे, कुछ इस तरह से हम राउंड शेप में इसको सीधा करेंगे। यहाँ से हमें राउंड देना है दोस्तों इस तरह से। ये देखिए दोस्तों हमारी ड्राइंग कुछ इस तरह से हो चुकी है। अब दोस्तों हम इसमें जेब का मार्क लगाएंगे। यहाँ से करीब हमें 1.5 इंच और 2 सूत पे जेब का मार्क लगाना है और यहाँ से हम करीब 5.25 इंच पे लगाएंगे इस तरह से। आप अपने हिसाब से लगाइए साइज के हिसाब से। ये देखिए दोस्तों हमारी ड्राइंग हो चुकी है। अब इसको हम काट लेंगे बिल्कुल ड्राइंग के हिसाब से। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर देना और अगर हमारे चैनल पर पहली बार हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि सिलाई से जुड़ी हर तरह की वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी। इस तरह से दोस्तों हम ड्राइंग पर कटिंग कर लेंगे। ये देखिए दोस्तों अब यहाँ पर हमें कट लगा देना है ताकि बाद में कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों हमारी फ्रंट की कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। ये देखिए दोस्तों अब हम बैक कटिंग करेंगे। इसके लिए हमें कपड़े को डबल फोल्ड करके बिछा लिया है और उल्टा बिछाना है
अब इस पर हम फ्रंट को इस तरह से बिछा लेंगे, नीचे की तरफ से बिल्कुल हमें लाइनिंग पे मिला लेना है, क्योंकि मोहरी में हमें डायरेक्ट इसको ही मोड़ना है इसलिए। अब दोस्तों हम मार्क पहले सीधे कर लेंगे। दोस्तों मार्क कौन से सीधे करने हैं ध्यान से देखना। पहले यहाँ से लटक वाला मार्क सीधा करेंगे और यहाँ से दोस्तों हमें घुटने वाला मार्क सीधा कर लेना है। अब हम इसमें मोहरी में 1 इंच रखेंगे और दोस्तों घुटने पे हम 1.25 इंच रखेंगे और यहाँ से पहले हम मार्क को सीधा करके करीब 1.25 इंच रखेंगे। सॉरी दोस्तों वीडियो थोड़ा सा कट हो चुका है। इस तरह से हम राउंड देंगे। अब दोस्तों यहाँ से हमें कमर का सोताई भाग प्लस 1 इंच वाले मार्क को हमें कट लगा लेना है। अभी देखना है ध्यान से दोस्तों, यहाँ से करीब हमारा कमर का सोताई भाग निकलेगा, प्लस 1 इंच रखना है इसमें इस तरह से, और 2 इंच हम इसमें फालतू रखेंगे एक्स्ट्रा, जो कि ऐसे ही अंदर पड़े रहेगा। और इस तरह से हम सीधा कर लेंगे और इस तरह से गोलाई दे देंगे। दोस्तों इस तरह से बिल्कुल हमें कटिंग कर लेना है, बिल्कुल आसान है दोस्तों। अगर एक दो बार आपने देख लिया तो पक्का सीख जाओगे। इसमें हम बैक ऊपर नहीं उठा रहे हैं क्योंकि इसमें कपड़ा बहुत कम है और बच्चे का पैंट इसलिए इसमें चलेगा। दोस्तों ये देखिए दोस्तों हमारी कटिंग हो चुकी है। दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।